हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हो और आपको मेजरमेंट टेप के रिगार्डिंग थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, आपको नहीं पता कि एक इंच में कितने सूत होते हैं और एक सूत का मान कितना एमएम होता है, तो वो सारी चीज़ मैं आपको इतने अच्छे से बताऊंगा। अगर आपने मेरी वीडियो टिल लास्ट तक देख ली, आई होप आपके जो सूत के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो वीडियो को टिल लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई जो फ्रेशर मेरे दोस्त हैं, कभी आप पूछते हैं कि आप मतलब की बुक्स के रिगार्डिंग की भी कौन सी बुक रिकमेंड करते हैं, तो मैं सारी चीज़ें हैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप मैंसन कर दूँगा, आप वहाँ से भी जाकर परचेज कर सकते हो या स्टोर से भी, शॉप से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक इंच जो होता है उसमें 25.4 mm होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि एक इंच में 25.4 mm होते हैं और एक इंच में 8 सूत होते हैं। ठीक है, एक इंच में 25.4 mm होते हैं और एक इंच में 8 सूत होते हैं। एक सूत जो है, अब इसका मान निकाल लेते हैं कि एक सूत में कितने mm होते हैं, तो 25.4 इसको हम भाग कर लेंगे 8 से, क्योंकि एक इंच में आठ सूत होते हैं, तो 25.4/8, तो ये एक सूत का मान आ जाएगा 3.175 mm। ठीक है, ये आ गया एक सूत का मान। ठीक है, अब एक इंच में 8 सूत है, देख लिया। तो अब जैसे मेरे दोस्तों की प्रॉब्लम आती है, जैसे लिखा होता है ड्राइंग वगैरह में 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो मैं आपको सिंपल सा बता दूँ। देखिए, 1/8 लिखा है तो हम उसको बोलेंगे एक सूत। ठीक है, और एक सूत का मान आपको पता होना चाहिए दोस्तों 3. अब यह हमने निकाला है, यहाँ पे ये निकाला 3.175। तो जैसे एक सूत बराबर हम लिखेंगे 8/8, तो बराबर 3.175। ठीक है, दो सूत को हम लिखेंगे 2/8। ठीक है, हम दो जैसे बोल देंगे दो सूत, तो आपको पता होना चाहिए अगर ड्राइंग में कहीं भी लिखा 2/8 तो 2 सूत हुआ, और इसका जिसको हम इसको कट करते हैं तो 1/4 भी आ जाता है, इसको हम सवा भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका जो एक इंच का मान है 3.175, 2 सूत हैं तो (2) कर देंगे, 3.175 × 2 6.35 mm, 2 सूत का मान होगा 6.35। थ्री सूत को हम लिखेंगे 3/8, लिखेंगे आगे 3.175 जो एक सूत का मान है (3) कर देंगे, बराबर 9.52 mm। ठीक है, अब आगे आपका चार सूत जो है 4/8 लिखेगा, जिसको हम कट कर लेंगे, कटता है तो 1/2 कर देंगे, जो कि आधा इंच होता है, क्योंकि एक इंच में 8 होते हैं तो 8 × 4 हो गया, तो जैसे एक इंच 8 सूत, उसका आधा 4, तो इस आधे को ये 1/2 जो आएगा या 4/8 जो भी हम लेते हैं इसको हम बोलेंगे आधा इंच, तो 3.175 × 4 तो 12.7 mm, ये आधा इंच का मान आ जाएगा। ठीक है, और अब पाँच सूत देखिए, 5/8 लिख लेंगे, 5 सूत को, 5 सूत अगर बोला जाता है तो क्या होता है 5 सूत, उसका मान कितना है 3.175 × 5 कर देंगे, 15.87 mm। ठीक है, उसके बाद है आपका छः सूत को हम लिखेंगे 6/8, इस कटता है तो काट लेंगे, 6/8 करके इसको काट देंगे, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, एक सूत का मान होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों पौना, जैसे 1/4 है इसको हम सवा बोलते हैं, 1/2 आ गया इसको मादा बोलते हैं, और 6/8 है तो इसको हम काट के करते हैं 3/4, तो ये आ गया पौना। ठीक है, 3.175 × 6 बराबर है 19.05 mm। ठीक है, ये आ गया आपका 6 सूत का मान। और उसके बाद है दोस्तों सात सूत को हम लिखेंगे, लिख सकते हैं 7/8 बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 3.175 जो एक सूत का मान है (7) कर देंगे, 22.22 mm, ये हो गया आपका 7 सूत का मान। अगर आपको कभी भी ड्राइंग लिखा मिल जाए कि 7/8, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे क्या, तो सिर्फ आपको ये देखना है आपका अगर काम mm में हो रहा है तो आपको सीधा लिख देना है 22.22 mm, फीते के हिसाब से करके मार्किंग कर देनी है। ठीक है, इसके बाद है 8 सूत, तो इसको 8/8 करेंगे, तो काट दिया तो 1 आता है, क्योंकि 1 इंच में 8 ही होते हैं, तो ये आ गया 1 इंच, तो इसका जैसे हमने पहले भी किया वो सब किया, तो इसको वैसे करते हैं 3.175 × 8 कर देंगे, इसका जो मान है 25.4 आ गया। देखिए, जब भी हमने लिखा था 25.4 बिल्कुल सेम आ गया 25.4 mm, तो इसलिए 1 इंच बराबर 25.4 mm।
तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन रहती है कि जैसे 1/8 लिखे, मिल गया 2/8 मिल गया, तो भाई इसको क्या बोलना है? इसको सिर्फ यही बोलना है, जैसे 1/8 है तो 1 इंच, दो सॉरी 1/8 है तो 1 सूत, 2/8 है तो 2 सूत, 3/8 है तो 3 सूत, 4/8 है तो 4 सूत, 5/8 है तो 5 सूत। सेम ऐसे ही 8/8, तो जैसे 8/8 तो है 1 इंच हो ही जाता है, तो 7/8 7 सूत, तो उस टाइप से आप बोल सकते हो। अगर आप मार्केट में कुछ भी परचेज करना उसकी रिगार्डिंग, जैसे आपको बोल दे कोई, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ थोड़ी कन्फ्यूज कर रही होगी, और आपने वीडियो देखी है तो ज़रूर आपकी चीज़ ये सोल्व हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।